अध्यक्ष जी, 21 तारीख को इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के संबंध में दो बातें कही जिनका जवाब देना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूं यहां के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत जो शर्तें बातचीत के लिए लगा रहा है वो हमें मंजूर नहीं है। ये समझ नहीं रही कौन सी शर्त, किस शर्त की बात की जा रही है। हमारे शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समारोह में आने का न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था, तो क्या कोई शर्त रखी थी। मैं स्वयं इस्लामाबाद गई थी और कॉम्प्रिहेंसिव बायलेटरल डायलॉग हमने शुरू किया था इकट्ठे बैठकर, क्या कोई शर्त रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी काबुल से दिल्ली आते हुए लाहौर उतर गए थे, कोई शर्त लगाकर गए थे क्या। ये कौन सी शर्तों की बात हो रही है। सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि शर्तों के आधार पर नहीं, मित्रता के आधार पर हमने पाकिस्तान के सारे विवाद सुलझाने की पहल की थी और मित्रता भी सहजता की तरफ जा रही थी। कभी ईद की शुभकामनाएं, कभी क्रिकेट की शुभकामनाएं, कभी स्वास्थ्य के हाल का कुशलक्षेम। हमने दो बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था। लेकिन हमें मिला क्या बदले में, पठानकोट, उरी, बहादुर अली। मैं पूछना चाहती हूं हम शर्तें लगा रहे हैं या आप दूसरी नीयत दिखा रहे हैं। बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा, कि सीमा पार से आतंकवादी आया है, लिखित में सबूत है हमारे पास उसका।